पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर रविवार को हमारा शहर भी सूरज की पहली किरण के साथ श्री राम की भक्ति रूपी सागर में समा गया। हर तरफ श्री राम के जय घोष, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ की गूंज रही। कहीं लोग टीवी पर नजरें गड़ाए तो कहीं मुख्य स्थानों पर लगी एलईडी पर राम लला को विराजमान होते देखने को ललायत रहे। आतिशबाजी के साथ खुशी का इजहार किया गया तो वहीं शाम को दीपोत्सव में मंदिरों से लेकर घर तक जगमगा कर अपने राम के घर आने की खुशी मनाते रहे। भारत समेत विश्व भर के राम भक्तों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण विधि विधान के साथ हुई। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां पहले से ही की गई थी। इस मौके पर अयोध्या समेत देश भर में उत्सव का माहौल है। भक्त राम की धुन में खोए हुए हैं, पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम, राम आ गए हैं लिखे हुए पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं। वहीं फूलों से जय श्री राम लिखाकर सजावट की गई है। प्रभु श्री राम की भक्ति से मुरादाबाद की नगरी भी राममय हो गई है। पूरे शहर में राम की भक्ति का उल्लास और रामलला के प्रति अटूट प्रेम साफ झलक रहा है। महानगर की गली मोहल्लों को भी राम की नगरी की तरह सजाया गया है। मंदिरों में जगह जगह भंडारे और महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर तरफ सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं पर सुंदरकांड पाठ हुए तो कहीं महाआरती की गई तो कहीं पर दीपोत्सव करके श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। आज हमने श्री राम जी की अयोध्या आने की खुशी में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था जो कि श्री रामचंद्र जी के दीपोत्सव का कार्यक्रम था। हमारा बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छे से मनाया गया है और हमें और हमारे पूरे सनातनी भाई बहनों को इस बात की बहुत अच्छे से खुशी है कि ये कार्यक्रम इतने अच्छे से निपट रहा है। आज क्या संदेश देने की कोशिश की है इस तरीके से? हमारा यही संदेश है कि जिस तरीके से आज ये सारा कार्यक्रम अच्छे से निपटा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहे और सनातन धर्म आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।